सो गाइज, आप सभी को पता होगा कल सुबह करीब 8 बजे हमारे एक महान नेता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का कल निधन हो गया। तो भाई हमारे लिए एक बहुत दुखद खबर है, मतलब हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को सभी को। तो भाई हमारे एक बहुत महान नेता थे मुलायम सिंह यादव। तो भाई आज शाम उनका 3 बजे अंतिम संस्कार होगा उन्हीं के गाँव में, सेफई गाँव में। तो गाइज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज 11 बज गए, मतलब 11 से भी ज़्यादा बज चुके हैं, और भाई अभी बारिश हो रही है। देखो भाई 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, डेली बारिश हो रही है। भाई यार समझ में नहीं आ रहा कब तक बारिश होगी। भाई डेली डेली बारिश हो रही है यार, कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, बस घर पे सुबह उठे, नहाना धोना खाना पीना, बस यही है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भाई हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रखा है 2 दिन से। कल मैं गया था सिलेंडर लेने, बट नहीं मिला, मैं सिलेंडर वहीं रख के आ गया था। तो भाई आज मैं सिलेंडर लेने जाता, बट क्या करें, बारिश ही हो रही है, बारिश रुके ही नहीं रही है। तो भाई जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद चलेंगे हसनपुर सिलेंडर लेने के लिए। तो भाई अभी तो रिमझिम रिमझिम बारिश बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो भाई खाना वाना खा के तो रेडी हूँ मैं, बहुत काफ़ी टाइम का खा लिया, बस ये है डेली का यार, सुबह उठो खाना पीना, बस यही चल रहा है बारिश के मौसम में, और कुछ भी नहीं है। तो भाई जैसी बारिश रुक जाएगी उसके बाद चलेंगे हसनपुर सिलेंडर लेने के लिए। सो गाइज मैं हूँ अभी हसनपुर से, भाई सिलेंडर लेने गया था। भाई 2 दिन हो गए, आज भी सिलेंडर नहीं मिला एजेंसी पे। तो वो बोल रहे थे भाई कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ, सिलेंडर स्टॉक खत्म हो गया पूरा। तो भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत ज़्यादा है, और भाई ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है बहुत ज़्यादा। मैंने ना जैकेट डाल रखी है, हाफ ही है, बट ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से ना इतनी ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। तो भाई जब मैं गया था ना यहाँ से हसनपुर, तो मेरे ना हाथ भी सुन्न हो गए बाइक चलाते चलाते, पूरी बारिश पड़ रही थी, भीग गया था ऊपर से। तो मैं भी घर पे आया था, तो भाई ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी जैकेट पहनी है। तो अभी चल रहे हैं अपने घर पे, तो भाई चूल्हे पे चाय बनानी पड़ेगी, तो चाय पियेंगे क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। सो भाई मैं आ गया हूँ अपने घर पे, तो भाई चाय भी बन गई है हमारी, आज चूल्हे बना दिए मम्मी ने पहले। नहीं गैस में तो क्या हो गया, कैसे जैसे कर रहे हैं भाई, मम्मी को ना डेली चूल्हे पे बनानी पड़ रही, रोटी बना के देनी पड़ेगी, मजबूरी है भाई। कल को बोल रहे कल आ जाएगी। हाँ हाँ बोल, क्या कह रही है, चाय पिएगी? तो भाई ये बन चुकी है अपनी चाय, तो फाइनली अभी चाय पीते हैं। और इधर अपना कालू क्या कर रहे हो भाई, लव हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी ठंडी लग रही है। तो भाई अभी पीते हैं चाय। भाभी क्या कर रही है, बाबू खिला रही है, बाबू खिला रही हो कालू को, है चलो खिला लो, चाय पी ली तूने, हैं चाय पी ली? नहीं ओ बाबू ऐसे नहीं करते, रोएगा। चाय पी ली तूने, चाय चाय पी ली, क्या हुआ, हाथ? अरे हाँ भाई हाथ दे रहा बाबू है, चलो चाय पी लो, है ना। सो गाइज फाइनली चाय तो पी ली है, और गाइज पता है मुझे ना अपने रूम पे सारे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। अब बारिश देखो कितनी तेज हो गई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको भाई, इतनी बारिश हो रही है ना, हद हो गई बारिश से, तो देखो भाई अभी 5 मिनट भी नहीं हुए रूम पे आए हुए, चाय चाय पिए बस। देखो भाई बारिश, फुल बारिश हो रही है दबा के भाई, इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब ये बारिश बंद होएगी भाई। इस बारिश की वजह से बहुत जल्दी ठंड भी आ गई, यानी वरना इतनी ठंड नहीं थी। तो भाई बारिश हो रही है अभी, तो घर पे ही है, जैसी बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद चलेंगे। सो गाइस अभी हो चुकी है नाइट, तो भाई खाना बन चुका है, तो अभी खाते हैं खाना। सो गाइस ये आ चुका अपना खाना, रोटी और भिंडी, तो भाई खाते हैं खाना। तो गाइस फाइनली खाना भी खा लिया है, और भाई दूध भी पी लिया, बाहर हो रही है बारिश, तो भाई अपने रूम पे चलते हैं, क्योंकि भाई अब तो सोने और कुछ काम नहीं है, तो फाइनली अभी चल रहे हैं अपने रूम पे। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने रूम पे अभी, तो भाई रात के 11 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम करा था, और भाई अभी भी बारिश हो रही है बाहर, पता नहीं बारिश कब बंद होगी। तो गाइस अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है, तो ये वाले ब्लॉग करते हैं एंड। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप देख पाएं हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।